लेकिन चांद पर मौजूद इम्पैक्ट क्रेटर यानी गहरे गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टकराव से बने थे। क्या पृथ्वी की रफ्तार धीमी कर रहा है चांद? चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पेरिग्री कहते हैं। इस दौरान ज्वार भाटा का स्तर सामान्य से काफ़ी बढ़ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति भी कम कर देता है और जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक शताब्दी में 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती जाती है। चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा की चांद की तुलना में सूरज 14 गुना अधिक चमकीला होता है। पूर्णमासी के एक चांद से आप अगर सूरज के बराबर कई रोशनी चाहेंगे तो आपको 3,98,110 चंद्रमाओं की जरूरत पड़ेगी। जब चंद्रग्रहण लगता है तब पृथ्वी की छाया में आ जाता है और इसकी सतह का तापमान 500 डिग्री फारेनहाइट तक गिर जाता है और इस प्रक्रिया में 90 मिनट में भी कम समय लगता है। लियोनार्डो दा विंची ने पता लगाया था कि कभी कभी चांद का छल्ले की तरह लगने लगता है। इसे हम अर्धचंद्र या फिर बालचंद्र भी कहते हैं। ऐसे सूरत में हम पाते हैं कि चांद पर सूरज जैसा कुछ चमक रहा है। चांद का बाकी हिस्सा बहुत कम दिखाई देता है। इतना ही हम इसे 9 के बराबर कह सकते हैं और कुछ दिखाई देना भी काफ़ी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। ज्ञात इतिहास में लियोनार्डो दा विंची सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने यह पता लगाया था कि चंद्रमा सिकुड़ या फैल नहीं रहा है जबकि इसका कुछ हिस्सा केवल हमारी निगाहों से ओझल हो रहा है। आखिर चांद के क्रेटर का नाम कौन तय करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक्स यूनियन न केवल चांद के गड्ढों बल्कि किसी भी अन्य खगोलीय चीज़ों का नामांकन करती है। चंद्रमा के क्रेटर्स विस्फोट से बने गड्ढे को कहते हैं। ये नाम जानने वाले वैज्ञानिकों कलाकार और अन्वेषण एक्सप्लोरर्स के नाम पर रखे जाते हैं। अपोलो क्रेटर और मेयर मॉक्स के समुद्र के पास के क्रेटर के नाम पर अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखे गए हैं। मेयर मॉस्कोविंग चांद का वो इलाका है जिसे चांद का सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। चांद के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा ही जानकारी है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते हैं। एरिजोना के लॉवेल ऑब्जेक्टिव ऑफ पैराफ्लैक्स ने साल 1988 में चांद के बारे में एक सर्वे किया था। इससे भाग लेने वाले 13% लोगों ने कहा था कि उन्हें लगता है कि चांद किसी चीज़ से बना हुआ है। क्या चांद का रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव है? चांद का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 पहुंचने की कोशिश कर रहा था उसे बेहद रहस्यमय माना जाता है और अब चंद्रयान 3 बेहद ही कुशलता से वहां लैंड भी कर चुका है। नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में कई गड्ढे हैं और पर्वत जिसके छांव वाली जमीन पर अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा नियोजित तीसरी चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान 2 के बाद सॉफ्ट लैंडिंग गाइडेंस सॉफ्टवेयर में आखिरी मिनट की गड़बड़ी के कारण लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास को सफल ऑर्बिटल इमर्शन के द्वारा सफल कार्यक्रम बनाया गया है। इस ऑर्बिटल इंसर्शन के बाद विफल कर दिया गया था जब सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शित करने के लिए एक चंद्र मिशन प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का मिशन रिपीट किया गया है, रिपीट मिशन ऑफ चंद्रयान 2, लेकिन इसमें चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर और रोवर शामिल है। इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। यह अंतरिक्षयान को 2023 में प्रक्षेपित करने की योजना की पूरी तैयारी कर ली 2022 में ही कर ली गई थी। अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण के लिए रॉकेट भी तैयार कर लिया गया था। इसे 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाना था लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन ही होंगे। चंद्रयान 2 पर विक्रम के विपरीत और 5 800 न्यूटन इंजन